मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो हमने यहाँ पे राज्यपाल जो हमारा ऑफिस है जनरल ऑफिस, आज हंगामी मीटिंग हमने यहाँ पे बुलाया है। एज अ सूबाई जनरल सेक्रेटरी मैंने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ऑल डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद है और कोर कमेटी के हमारे और प्रेजिडेंट साथी आरिफ साहब, बाकी साथी सब यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो पेपर में चंद दिन पहले जो एक न्यूज़ आई है वो मैं उस न्यूज़ को फ्रॉड समझता हूँ। जैसे कि एक मोहम्मद मकबूल मलिक पहले 2022 से पहले वो पैंथर्स पार्टी में था और 2022 में प्रोफेसर भीम सिंह ने अपने हाथ से उसको पार्टी के मेंबरशिप से उसको खारिज कर दिया और आउट कर दिया उसको। और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है उसके साथ अभी जो जम्मू में एक और एक ग्रुप काम कर रहा है जो आप लोग जानते होंगे कि उस ग्रुप का हेड उन्होंने बनाया है हर्षदेव सिंह को, जिस हर्षदेव सिंह ने दिल्ली में जाकर केजरीवाल साहब, सीएम जो है दिल्ली का जनाब केजरीवाल साहब, उनके सामने उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग की है। और उसके बाद वो उसको पैंथर्स पार्टी के, उनको भी प्रोफेसर भीम सिंह ने पैंथर्स पार्टी के मेंबरशिप से उनको भी खारिज किया है। और इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने पेपर में बेहुदा बयान पब्लिक के सामने पैंथर्स पार्टी को बदनाम करने की उन्होंने कोशिश की है, और अगर वो लोग इस बयान पर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम कोर्ट का रुजू करें, ऑनरेबल कोर्ट पे हम जाएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे हम लड़ने के लिए। जैसे कि उन्होंने एक नाम उसमें जाहिर किया है हकीकत सिंह जी का, जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी है, तो उनके खिलाफ जो उन्होंने बोला है पैंथर्स पार्टी का जो ग्रुप इस वक्त काम कर रहा है वो प्रोफेसर भीम सिंह की बुनियाद है जिसमें हम हैं और जम्मू से विलक्षण सिंह जी है जिनको हमने पार्टी का प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। और जिस दिन प्रोफेसर भीम सिंह की वफात हो गई है इस दुनिया फानी से तो उस वक्त वो लोग कहाँ थे? जिस दिन प्रोफेसर भीम सिंह का दिन मनाया जा रहा है उस वक्त कहाँ थे वो लोग? हम प्रोफेसर भीम सिंह के इस चेहरे को हम बिल्कुल सलूट करते हैं और सलाम करते हैं कि इनकी कयादत को हम हमेशा हर लिहाजे में, हर मोड़ पे, हर स्टेज पे हम आगे ले जाएंगे इसको। जो दलाल लोग पीछे बैठे हैं, हर्षदेव सिंह से मैं, सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको पता है कि कश्मीर के अंदर कितने ब्लॉक्स हैं? आपको पता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? आपने कभी किसी वर्कर को देखा है पैंथर्स पार्टी किसी ओहदेदार के साथ? आपने 2022 कल की बात है, आप 2004 की बात करिए, 2012 की बात करिए। आपने कभी कोई डिस्ट्रिक्ट देखा है? आप एजुकेशन मिनिस्टर रहा है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट में गए, आपने हाल देखा है अपने पैंथर्स पर? हाँ, वो एक हस्ती थी प्रोफेसर भीम सिंह जी जो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर वार्ड में, हर ब्लॉक में जाया करता था। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, उन्होंने भी यही हम एक ओथ सेरेमनी हमने आज दी है कि अगर मकबूल मलिक अपने बयान को वापस नहीं लेता तो उसके खिलाफ कोर्ट में हम कानूनी, उसके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो जाएगी।